खबर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां पुलिस ने वार्ड नंबर 8 स्थित एक मकान में छापेमारी कर 18 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है और साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर चूड़ियों से भरे 3 बोरों को जब्त किया है। थानाधिकारी निकेत पारिक ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र में मोहम्मद आमाद के मकान पर दबिश दी गई, जहां किराए के कमरे में करीब 18 नाबालिग बच्चों को बंधक बनाकर चूड़ियां बनवाने का काम करवाया जा रहा था। पुलिस ने बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया और साथ ही आरोपी मोहम्मद अकबर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में मकान मालिक को भी अब नामजद किया है। इंडस्ट्रियल एरिया में एक मकान में चूड़ी बनाने की फैक्ट्री चलाने की कोई सूचना मिली कि उसमें अवैध रूप से बाल श्रमिकों द्वारा बाल श्रम करवाया जा रहा है और उनको बंधक बना के रखा हुआ है। इस सूचना पर हमने जाके वहाँ कार्रवाई की और 18 नाबालिग बच्चों को, जिनको बंधक बना के रखा हुआ था, उनको मुक्त कराया है और वो संचालक है, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर।